हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सिंपलीफाइड बाय ओ दिस इज विनोद कुमार गर्ग सो अगर आप भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के अंदर स्टोर कीपर के एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है जैसा कि आप जानते हैं कि ये वैकेंसी जो है स्टोर कीपर की ये मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अंदर है तो यहाँ पे स्टोर कीपर के क्या रोल होते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही अगर आप पेड पीडीएफ सीरीज़ परचेज करना चाहते हैं तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सो so शुरू करते हैं वीडियो सो so सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो सेंट्रल स्टोर होता है दैट प्ले अ वाइटल रोल इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूट तो जो मेडिकल कॉलेज है जो मेडिकल हॉस्पिटल है वो एक इंस्टीट्यूट का काम करता है उसके अंदर बहुत सारे सब स्टोर्स होते हैं क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं तो वहाँ पे जो परचेज होता है वो एक सेंट्रल स्टोर के अंदर होता है और सेंट्रल स्टोर से सभी सब स्टोर को सप्लाई होती है ओके द मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल स्टोर इज़ टू प्रोवाइड मटीरियल टू ऑल क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल फॉर स्मूद फंक्शनिंग तो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर डिपार्टमेंट की एक अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है किसी को इक्विपमेंट की होती है किसी को केमिकल की होती है किसी को लॉन्ड्री की होती है तो सभी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए सेंट्रल स्टोर होता है सो so, इसका मतलब हुआ कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी को अपनी स्मूथ फंक्शनिंग अपनी एफिशिएंट काम करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल स्टोर से पूरी होती हैं अब स्टोर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल हिरारकी होती है हिरारकी का मतलब क्या होता है कि ऊपर से लेकर नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की जो रैंकिंग होती है एम्प्लायर्स की ठीक है सॉरी एम्प्लायज़ की तो उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो सबसे पहले जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होता है स्टोर कीपिंग में वो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तो हॉस्पिटल को संचालन करने के लिए उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं तो ये पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की ओके तो ये एक प्रॉपर कोर्स भी होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सबऑर्डिनेट पोजिशन है वहां पर होफिसर स्टोर ऑफिसर स्टोर ऑफिसर के सबऑर्डिनेट असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के बाद जूनियर स्टोर ऑफिसर एंड देन स्टोर कीपर तो यहां से आप खुद भी एस्टीमेट लगा सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है स्टोर कीपर की तो इसके अंदर प्रमोशन के कितने चांसेस हैं ठीक है स्टोर कीपर के बाद जूनियर स्टोर कीपर स्टोर ऑफिसर सॉरी और उसके बाद असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर देन स्टोर ऑफिसर ठीक है तो यहाँ तक आपकी प्रमोशन सुनिश्चित है लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी होती है तो वह आई थिंक वहाँ पर तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा ओके okay, लेकिन आपके पास तीन चार प्रमोशन जो है वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है जो यहाँ पे हिरारकी आप देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग ओके okay, अब हम बात करते हैं आगे सो so, आगे क्या है कि जो सेंट्रल स्टोर है वो फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस तो पहला सेक्शन होता है सर्जिकल स्टोर यहाँ पे सर्जरी के साथ रिलेटेड इक्विपमेंट्स सर्जरी के साथ रिलेटेड जो भी लॉन्ड्री वगैरह होती है वो सब इनका काम होता है स्टोर करना तो उसके बाद आता है स्टेशनरी स्टोर हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में जो स्टेशनरी चाहिए तो उसके लिए स्टेशनरी स्टोर है देन आफ्टर दैट केमिकल स्टोर है यहाँ पे सभी केमिकल्स होते हैं फिर ग्लास वेयर यहाँ पे कोई ग्लास के कांच के बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं स्टोर फिर है फर्नीचर स्टोर जहाँ पे हॉस्पिटल का फर्नीचर होगा और उसके बाद रिसिप्ट स्टोर यहाँ पे अकाउंट्स की जो रिसिप्ट वगैरह होती है वो सभी सभी यहाँ पे होती हैं देन आता है सैनिटेशन यहाँ पे साफ सफाई का, का काम देखना होता है तो उसके रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो यहाँ से पूरी होती हैं फिर है लाइनन इम्पोर्ट स्टोर तो लाइनन होता है जो हॉस्पिटल की बेड शीट्स वगैरह होती हैं उसको लाइनस बोलते हैं या फिर ड्रेसिंग्स है, होती हैं पट्टियाँ होती हैं वो सब इसमें आता है नेक्स्ट आता है हमारा सैंपल स्टोर यहाँ पे कोई पेशेंट का फ्लूड का सैंपल लिया जाता है बॉडी का सैंपल लिया जाता है बॉडी पार्ट का तो उसको स्टोर करने के लिए सैंपल स्टोर है देन कॉन्डामिनेशन और ऑप्शन यहाँ पे जो वेस्ट वगैरह होता है उसको रखा जाता है ठीक है तो ये है सब सेक्शन सभी स्टोर्स के सेंट्रल uh, स्टोर के अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंस्पेक्शन कमेटी की तो एवरी मटेरियल इज़ एक्सेप्टेड इन सेंट्रल स्टोर सेंट्रल स्टोर के अंदर जो भी मटेरियल आता है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा ओनली आफ्टर द अप्रूवल बाय इंस्पेक्शन कमेटी एंड दिस कमेटी वेरीफाइज रिसीव्ड मटेरियल जो भी सेंटर को सेंट्रल स्टोर को रिसीव होता है मटेरियल तो उसकी दो तरीके से वेरीफिकेशन होती है दो तरीके से जाँच होती है पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी जो स्पेसिफाई की होती है मेडिकल कॉलेज के द्वारा या हॉस्पिटल हौस, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा तो वो क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको वेरीफाई किया जाता है स्टॉक को जो भी सेंट्रल स्टोर में प्राप्त होता है और दूसरा उसकी क्वांटिटी भी वेरीफाई करनी होती है कि जितना क्वांटिटी में ऑर्डर दिया है क्या उतना ऑर्डर हमारे पास आया जा नहीं ओके सो नेक्स्ट आता है परचेज के लिए भी डिफरेंट कमेटीज होती हैं सेंट्रल स्टोर के अंदर सबसे पहले नॉन प्लान परचेज कमेटी सर्जिकल तो यहाँ सर्जिकल का सामान परचेज करना है तो उसके लिए सर्जिकल की कमेटी है स्टेशनरी के लिए उनकी अलग से कमेटी है केमिकल एंड ग्लासवेयर के लिए एक कमेटी है फिर फर्नीचर के लिए कमेटी है आफ्टर दैट दर इज़ वन कमेटी फॉर लाइनर आइटम्स एंड वन कमेटी फॉर सैनिटेशन तो यहाँ पे डिफरेंट परचेज कमेटीज़ हैं और इनकी मीटिंग बुलाई जाती है स्टोर ऑफिसर के द्वारा ओके सो स्टोर ऑफिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कन्वीन करते हैं इनकी मीटिंग को परचेज कमेटीज की मीटिंग को द कमेटी अप्रूव एनुअल डिमांड तो कमेटी डिमांड को अप्रूव करती है कि किसी भी जो भी उनका स्पेसिफिक रोल है तो उसके लिए जितने भी एकपमेंट्स uh, या कोई फर्नीचर या फिर कोई केमिकल uh, कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो एनुअल डिमांड के हिसाब से अप्रूव करना होता है कि कितना परचेज ऑर्डर डालना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे है डिमांड ऑफ मटेरियल दैट इज़ सर्जिकल स्टेशनरी केमिकल ग्लासवेयर फर्नीचर लाइनिंग एंड सैनिटेशन सो नेक्स्ट हमारा आता है कि आफ्टर अप्रूवल सेंट्रल स्टोर प्रोसेस द केस फॉर परचेज मतलब जो सेंटर को अप्रूवल मिल जाती है परचेज कमेटी से कि कितना कितना स्टॉक परचेज करना है तो उसका ऑर्डर डाला जाता है थ्रू द प्रोक्योरमेंट ब्रांच प्रोक्योरमेंट ब्रांच जो होती है वो सप्लायर को फर्दर ऑर्डर डालती है ठीक है अप्रूवल के बाद अब आता है अनसर्विसेबल जो मटेरियल यूज़ में नहीं है जो इक्विपमेंट जो इंस्ट्रूमेंट जो लाइनन वेस्ट हो चुके हैं या यूज में नहीं है किसी भी कारण ठीक है तो वहां उनको स्टोर किया जाता है कॉन्डेमट या फिर ऑक्सीजन स्टोर के अंदर ओके और इसको कौन करता है हायर कॉन्डेमिनेशन बोर्ड या फिर लोअर कॉन्डेमिनेशन बोर्ड और उसके बाद नंबर थ्री पे आता है ऑक्शन कमेटी ठीक है जी अब बात करने वाले हैं वर्क फ्लो की कि यहाँ पे वर्क फ्लो कैसे होता है स्टोर कीपिंग में सो वर्क फ्लो का जो ऑर्डर है यहाँ पे वो ऐसे होता है कि सबसे पहले जो रिसीव्ड मटेरियल है वो होता है रिसीवर सेंटर स्टोर के अंदर अगेंस्ट द सप्लाई ऑर्डर ठीक है जितना ऑर्डर सप्लाई ऑर्डर दिया होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो रिसीविंग होती है फिर उसके बाद उसकी होती है इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन कौन करेगा इंस्पेक्शन कमेटी करेगी ठीक है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दो तरीके से वेरीफाई होता है क्वालिटी एज वेल एज क्वान्टिटी ओके जी आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कमेटी मटीरियल आर इशूड दो मटीरियल को इशू किया जाता है सब स्टोर्स को जैसे आपको बताया मैंने कि सर्जिकल स्टोर लाइनर स्टोर सैनिटेशन स्टोर, स्टोर केमिकल ग्लासवेयर एक्सेट्रा सबको इशू होता है जिस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ओके फॉर द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन टू द कंसर्न वार्ड तो वहां पे सब स्टोर से जो मटेरियल जाएगा वो जाएगा किसी वार्ड में किसी ओ टी जाने के ऑपरेशन थिएटर में तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है वो सब स्टोर से जाता है सो so, ये था वर्क फ्लो तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो मटेरियल रिजेक्टेड होता है वो कैसे आता है तो रिजेक्टेड मटेरियल आर रिटर्न बैक टू द फर्म्स फॉर रिप्लेसमेंट तो या तो रिप्लेसमेंट करनी होती है जो भी रिजेक्टेड मटेरियल होता है एज़ पर द अप्रूव्ड सैंपल्स ठीक है और उसके बाद फर्दर क्या होता है कि जो इनवॉइस होती है जैसे मतलब फाइनल स्टॉक मतलब मिल जाता है हॉस्पिटल को या मेडिकल कॉलेज को तो उसके बाद जो बिलिंग करनी होती है पेमेंट करनी होती है सप्लायर को तो उसके लिए जो इनवॉइस होती है वो अकाउंट ब्रांच में जाती है ठीक है तो अकाउंट ब्रांच क्या करेगी आगे सप्लायर को पेमेंट करेगी सो यहाँ पे आके एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि वर्क प्रोफाइल वर्क फ्लो कैसे होता है स्टोर कीपर का एक हॉस्पिटल सेटिंग्स में या फिर मेडिकल कॉलेज की सेटिंग में ठीक है. है सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो इसके रिगार्डिंग भी कोई एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रॉबीबिलिटी हो सकती है सो सीरीज़ अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको नाइन एट सेवन सिक्स थ्री सेवन वन सेवन डबल एट पर कॉन्टैक्ट करना है थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग